हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होकर परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई लो, नया मसला चालू हो गया। ध्रुव की मम्मी हो गई है गायब। यहाँ ध्रुव आगे गुनगुन से सवाल पे सवाल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ध्रुव की मम्मी पंडित के संग घर बसा ली हो और यहाँ ध्रुव जो यहाँ वहाँ खोजते फिर रहा है। और या तो ये भी हो सकता है कि राधिका की मम्मी नई चाल हो, राधिका मम्मी ये नई चाल खेल रही है ताकि ध्रुव के संग मिलकर ध्रुव गुनगुन को जेल भेज सके। होने को तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा ही है कि राधे की मम्मी ध्रुव ने मिलकर चाल खेली है ताकि गुनगुन को कोई बातों से तो कुछ इल्ज़ाम लगा के तो कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे गुनगुन मैडम का तो कहना है, मैंने तुम्हारी मम्मी को घर से तो निकाला था पर मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मम्मी गई कहाँ है। और यहाँ पे ध्रुव के साथ राधिका की मम्मी जो कल तक ध्रुव की मम्मी को गालियां दे रही थी, मेरी बेटी के ऊपर पूरा जादू टोना कर दिया है पंडित के संग मिलके, वो देखो अभी रंग बदलती नजर आ रही है। इसको कहते हैं रंग बदलना टाइम आने पर। क्या कमाल का है राधिका की मम्मी, क्या कमाल पे कमाल कर रहे हो। चौका छक्का तो आप ही सोफे में बैठे बैठे मार रहे हो। यहाँ पे राधिका की मम्मी अच्छा से ध्रुव को समझा रही है कि तू अभी पति है, इसी घर में रहो, टाइम टू टाइम मारते रहो, गुनगुन को डोज देते रहो, अपने आप उगल देगी। कहाँ है ध्रुव की मम्मी? तो भाई उसको शायद ही पता होगा ध्रुव की मम्मी कहाँ है, क्योंकि वो तो इस समय उसके हाथ है नहीं। उसका हाथ सिर्फ समर के घर को उजाड़ने में रहता है और समर को अपना बनाने में रहता है। उससे ज़्यादा गुनगुन किसी की मम्मी को गायब करना हो या कुछ करना हो, ये सब में गुनगुन नहीं रहती। इतना तो गुनगुन को हम भी जानते हैं। पर यहाँ पे राधिका की मम्मी जो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही है, ध्रुव भी जो लगा रहा है, ये तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ध्रुव से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, भाई पति तो हो तुम, हमको भी पता है, डिवोर्स नहीं लेना है, मत लो, रहो उस घर में। पर वो घर तो समर और समर की मम्मी के नाम में है, वो घर में भी तुम कैसे रहोगे? अगर वो लोग आ गए, तुमको धक्के मार के निकाल दिए, तुम तो वहाँ रह भी नहीं पाओगे। हाँ, गुनगुन के ऊपर ज़रूर तुम्हारा हक है, पर अब गुनगुन के फ्लैट के ऊपर ध्रुव तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट गुनगुन का नहीं रहा, वो तो गुनगुन की एक्स हस्बैंड की मम्मी का है। तो इसीलिए ये सब करना बंद करो और तुमको अपनी मम्मी को खोज रहे हो, मम्मी के उसमें तुम अपनी मम्मी के जो भी तुम झांसा दे रहे हो उसके ऊपर तुम FIR करो कि गुनगुन, कम से कम हमारे मन में सेटिस्फैक्शन होगी ना कि गुनगुन जेल जाएगी, तो उसमें अपना कंसंट्रेशन मिलाओ। ये सब मत करो कि घर में रहना है, ये करना है, इसमें तुम्हारे शायद नहीं दाल गलेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ दाल गलता है और कहाँ नहीं। तो जिसको मैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।